15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा 8 साल और सम्मानजनक वेतन की घोषणा कर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट में उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों पर भी मुहर लगा दिया गया। सरकार के इस फैसले पर संविदा पर काम कर रहे लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदेश भर में नीतीश सरकार की भी खूब वाहवाही हुई, लेकिन इन्हीं तमाम संविदा कर्मियों की तरह बिहार आपदा समुत्थान परियोजना के अंतर्गत 3 प्रखंड राधेपुर, त्रिवेणीगंज, छातापुर में 80 कर्मी बहाल किए गए थे। जून 2013 में बहाल कर 5 वर्ष सेवा लेकर जून 2018 को सभी कर्मी को निराशा ही हाथ लगी थी। इतना ही नहीं, सेवा में बिना आदेश का हटा दिया गया था। तक आप काम किए? जून 18 तक। बहाली कब हुआ आपका? जून 13। तो फिलहाल अभी बिना सूचना का विभाग हमको हटा दिया है, जो कि आज हम कहीं का नहीं है और रोड पे आ गए हैं। अच्छा, आप विभाग के द्वारा कुछ लेटर या? कोई लेटर नहीं, बिना लेटर का, बिना सूचना का हम लोग को हटा दिया गया है। तो आप अपनी तरफ से कुछ लेटर दिए हैं विभाग को? हाँ दिए हैं, बहुत सारा लेटर दिए हैं। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री को, विभाग को अवगत कराते रहे हम अपनी मजबूरी से। इस विभाग में लगभग कितने हैं? तीनों जिला मिला के 84 कर्मी हैं। कौन कौन जिला है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। तो आप कार्यरत किस जिले में थे? हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड में। त्रिवेणीगंज प्रखंड में। तो आप लोग को डायरेक्टली हटा दिया गया बिना सूचना का? जी। और सरकार के ओर से कोई नियम जारी नहीं? कुछ नहीं, कोई रखेगा कि नहीं रखेगा आपको? कुछ नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीता कुमारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।